नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के लाल ईशान किशन के बारे में। बिहार और बिहारियों को हमेशा से कमज़ोर आंका जाता रहा है, लेकिन जब मौका मिला है तो इन्होंने इतिहास रच ही दिया है। धोनी के संन्यास के बाद से जैसे टीम इंडिया चरमरा सी गई है। टीम में से लगातार सुधार की बात कही जा रही है। भारतीय टीम की स्थिति को देखकर तो यही लग रहा है कि यह वही विश्व विजेता टीम है जिसके सामने खेलने के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमों को सोचना पड़ता था। भारतीय टीम फिलहाल इतने बुरे दौर से गुजर रही है कि लगातार इस पे निरीक्षण चल रहा है, किसे टीम में शामिल किया जाए, किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए, साथ ही साथ किसे कप्तान बनाया जाए, ये अब तक संशय का ही विषय बना हुआ है। बांग्लादेश दौरे पर गई भारतीय टीम का तीसरा एक दिवसीय मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत की तरफ से ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। ईशान किशन ने इस मैच में 131 गेंद में 210 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 24 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। ईशान किशन के साथ साथ विराट कोहली ने भी खूब साथ दिया। इस सीरीज के पिछले दो मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इन दोनों ही मैच में बिहार के लाल ईशान किशन को खेलने का मौका नहीं मिला। बता दें कि बांग्लादेश के साथ खेले जा रहे दूसरे मैच में रोहित शर्मा चोटिल हो गए थे, जिसके बाद ईशान किशन को खेलने का मौका मिला और उन्होंने वो कर दिया कि वह भारतीय टीम में लंबी रेस के घोड़े कहे जाने लगे। इतना ही नहीं, ईशान किशन ने अपने आप को अब तक की सलामी जोड़ी के रूप में पेश किया। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आने वाले मैचों में ईशान किशन भारतीय टीम के लिए सलामी जोड़ी के रूप में दिखाई दे सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में ईशान किशन ने इतिहास रच दिया। वनडे क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ने यह कारनामा कर दिखाया है, लेकिन ईशान किशन ने सिर्फ 126 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। वे अब वनडे इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गए। उन्होंने महज 126 गेंदों में 200 का आंकड़ा पार किया। इस मैच में उन्होंने 131 गेंदों में 210 रन बनाए। इससे पहले वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज था, उन्होंने 138 गेंदों में 200 रन बनाया था। अब यह बिहार के बेटे ईशान किशन के नाम दर्ज हो गया है। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में यह सिर्फ 9वां दोहरा शतक है जो कि ईशान किशन के नाम दर्ज हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ किसी भारतीय द्वारा सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम दर्ज था। उन्होंने मीरपुर में वनडे में 175 रनों की पारी खेली थी, लेकिन अब यह रिकॉर्ड भी बिहार के लाल ईशान किशन के नाम दर्ज हो गया है। ईशान ने 18 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुकाबले में भारतीय टीम में डेब्यू किया था। किशन ने अब तक 9 वनडे मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतक की मदद से 237 रन बनाए थे, जिसमें अब तक का सर्वाधिक 93 था। बांग्लादेश के खिलाफ दोहरे शतक लगाकर उन्होंने यह आंकड़ा 210 तक पहुंचा दिया है। ईशान इससे पहले झारखंड के घरेलू क्रिकेट टीम में रणजी और आईपीएल में गुजरात लॉयंस और मुंबई इंडियंस की ओर से खेल चुके हैं। ईशान ने 2016-17 में दिल्ली के विरुद्ध 237 रन की शानदार पारी खेली। झारखंड उसमें जो है सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी वे शामिल हुए थे। 2017-18 के रणजी सीजन में उन्होंने 6 मैचों में 484 रन बनाकर इस साल रणजी के टॉप स्कोरर रहे थे। ईशान ने आज दोहरा पारी खेलकर लगातार साबित कर दिया कि वे एक लंबी रेस के घोड़े हैं। उन्होंने आज अपना पहला शतक नहीं दोहरा शतक जड़कर चयनकर्ताओं को भी चेता दिया कि अब वो अधिक दिनों तक टीम से बाहर नहीं रह सकते, उन्हें आपको टीम में शामिल करना होगा। तो ये खबर थी ईशान किशन से जुड़ी हुई। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और वैसे इन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।